हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बनाएंगे मूली के क्रिस्पी क्रिस्पी पकौड़ी। एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे ये पकौड़ी। सुबह के नाश्ते में बनाएं या शाम को बनाएं, चाय के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी पकौड़े बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। मूली के टेस्टी टेस्टी पकौड़े हमने ले लिया है। मूली तो मूली हमने ये मोटे साइज का लिया है, पतला वाला भी आता है, कोई सा भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मूली के पकौड़े बनाना। तो पहले सबसे पहले मूली के दोनों साइड से कट कर लेना है और इसको छील लेना है। पकौड़े तो बहुत तरीके से बनाए जाते हैं, आप चाहे तो इनको गोल भी काट सकते हैं, लंबे में भी काट कर बना सकते हैं। तो मूली को हमने छील लिया है, ये देखिए। तो मूली को हम कद्दूकस करके पकौड़े बनाएंगे। तो सभी मूली को पहले छील लेते हैं। सभी मूली को हमने अच्छे से छील लिया है, ये देखिए, और इसे हमने धुल लिया है क्योंकि हमें बाद में नहीं धुलना है, छील कर हम धुल लेंगे। और हमने लिया है गोभी, थोड़ा सा बचा हुआ था तो गोभी भी ऐड करेंगे, ये ऑप्शनल है, स्किप भी कर सकते हैं आप। तो हमें इसको ग्रेट कर लेना है बड़े वाले साइज से, छोटे वाले से नहीं करेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी पानी है। ये देखिए बड़े वाले साइज से हम इसको ग्रेट कर लेते हैं सभी मूली को। बहुत ही टेस्टी लगता है ये, कद्दूकस करके भी बना सकते हैं इस मूली के पकौड़े। सभी मूली को ग्रेट कर लिया, एक गोभी का फूल लेंगे। तो ये देखिए गोभी को भी हम कद्दूकस कर लेते हैं, या चाहे तो आप चाकू से इसको छोटा छोटा कट कर सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो। तो सभी मूली और गोभी को हमने कद्दूकस कर लिया है। तो जो मूली में जो पानी है उसको हम निचोड़ कर उसका पानी निकाल लेंगे पूरा, नहीं तो काफ़ी जब आप बेसन मिलाएंगे तो वो गीला हो जाएगा। तो इसलिए हमें सारा पानी निचोड़ कर एक बर्तन में ले लेना है पूरा। तो सभी मूली से हम ऐसे पूरा पानी निचोड़ लेते हैं, ऐसे थोड़ा ड्राई हो जाता है तो ज़्यादा बेसन का भी यूज नहीं होता है। तो सभी को ऐसे निकाल लेना है, गोभी और मूली को। ये देखिए कितना सारा पानी निकला है, पूरा निकाल लेंगे। पूरा हमने इसका निकाल लिया, अब इसमें हम बेसन डालेंगे। तो बेसन जितना यूज होगा उसके हिसाब से हम डाल लेते हैं। तो 3 बड़े चम्मच हम इसमें बेसन यूज कर रहे हैं। साथ में हमें थोड़ा सा लहसुन कटा हुआ, अदरक, हरी मिर्च और हरा धनिया भी डाल लेते हैं। तीखा कम ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, थोड़ा सा हम पकौड़े तीखे ही बनाएंगे। आधी छोटी चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर, एक अजवाइन डालेंगे, आप इसकी जगह जीरा भी ले सकते हैं। आधा छोटा चम्मच से भी कम हींग डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे आधा छोटा चम्मच, बेकिंग सोडा आधा छोटा चम्मच, खाने वाला जो सोडा होता है वो डाल देना है आपको, सब्जी मसाला का पाउडर डाल देंगे 1 छोटा चम्मच, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देंगे, और नींबू का रस हमें डालना है। आप इसकी जगह पर आमचूर पाउडर भी ले सकते हैं, हम नींबू का रस यूज करेंगे इसमें, डाल दिया है। स्वाद अनुसार नमक, सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि मिलाते ही बहुत गीला हो जाएगा बैटर। तो बिना पानी का ही हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है पूरा। पूरा हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, तो ये देखिए बैटर गीला बिल्कुल भी नहीं है। इसे अब हम तुरंत ही बनाना है, रखना बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो पूरा हमने इसमें नमक जब डाला पूरा पानी हो जाएगा। ये गैस पर कढ़ाई रख दिए थे, रिफाइंड ऑयल डाल दिए थे, गर्म हो चुका है, मीडियम हाई फ्लेम पर गर्म होना चाहिए, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं होना चाहिए, नहीं तो पकौड़े जल जाएंगे। तो छोटे छोटे साइज के बना के हम जैसे प्याज के पकौड़े आप बनाते हैं वैसे ही डालना है। आप चाहे तो बड़े साइज में भी बना सकते हैं, हम मीडियम साइज पर बना रहे हैं। तो सभी पकौड़े डाल दिए, तुरंत नहीं पलटना है, आधा एक मिनट बाद ही पलटेंगे इसको क्योंकि अभी पका नहीं है दूसरा साइड। तो 1 मिनट बाद हम चेक करते हैं, पलट लेंगे सभी पकौड़ों को। तो एक साइड हल्का हल्का सेक चुका है, ये देखिए, सभी को अच्छे से पलट लेना है। बहुत ही टेस्टी पकौड़े बनते हैं ये मूली के। तो हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसको फ्राई करते रहना है। तो ये देखिए पकौड़े हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे हम। पकौड़े रेडी हो चुके हैं, इन्हें हम निकाल लेते हैं। बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी पकौड़े बने हैं। तो सभी पकौड़ों को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे।
प्लेट में निकाल लेते हैं। देखने में कितना अच्छा लग रहा है ये पकौड़े, बहुत ही आसान तरीके से बन जाते हैं ये। तो सभी दूसरा भी हम ऐसे ही डालेंगे, छोटे छोटे साइज में बनाकर डालना है पूरा। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। तो सभी पकौड़े को हम ऐसे ही हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक निकाल लेंगे। तो इसे भी हम प्लेट में ही निकाल लेंगे पूरा पकौड़ा। बहुत ही टेस्टी पकौड़े बने हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी। बहुत लोगों को मूली पसंद नहीं आता है, खाते भी नहीं है, तो आप उसका ऐसे पकौड़े बनाकर खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है। सभी पकौड़े रेडी हो चुके हैं, गर्मा गर्म मूली के क्रिस्पी क्रिस्पी पकौड़े बनकर तैयार हैं। हमने हरी चटनी, तीखी चटनी हमने धनिया लहसुन मिर्ची की बनाई है, उसके साथ ही खाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, गर्मा गर्म मूली के क्रिस्पी क्रिस्पी पकौड़े बनकर तैयार है। आप भी बनाइए मूली के पकौड़े और अपने परिवार को भी खिलाइए, बहुत ही टेस्टी और आसान तरीके से बन जाता है ये। देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा, तो खाने में कितना ही ये टेस्टी होगा। हम आपको एक तोड़ कर भी दिखा देते हैं, बहुत ही टेस्टी बना है ये और अंदर तक एकदम पक चुका है। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, कमेंट में बताएं रेसिपी कैसा लगा आपको। अगर आपने भी बनाए हैं मूली के पकौड़े तो कमेंट में बताएं। तो बस आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।